अब हम लोग कश्यप ऋषि और दिति की कथा ले रहे हैं। तो गुरु बताते हैं कि हमारे जीवन में दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक तो भगवान को याद करना, दूसरा सेवा। और हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमें मर्यादा में चलना चाहिए। मर्यादा अनुसार हम चलते हैं, मर्यादा अनुसार चलना हो तो मर के चलना, हर समय मेरे मन की हो, मेरे मन के अनुसार से चीज़ें हों, तो उसमें हम मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं। तो ये जो हमारी कथा है इसमें ये दिखाया है दिति और कश्यप ऋषि के बारे में कि दिति का मन आ गया तो उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया और उनके यहाँ दो राक्षस पैदा हुए। तो गृहस्थ आश्रम का मतलब ये नहीं है खाओ पियो भोगो मौज करो। गृहस्थ आश्रम का मतलब है सेवा सुमिरन सत्संग। जीवन में सेवा हो, सुमिरन हो, सत्संग हो और बहुत मर्यादा से मर के चले आदमी, सेवा करे और भगवान में मन लगाए अपना और बहुत नियम संयम से चले। जो नियम से संयम से चलते हैं, अपने सारे नियम पूरे करते हैं, उनके जीवन में भजन होता है, सत्संग होता है, तो उनका जीवन बहुत सुंदर होता है। वो इस जीवन में भी अपने खुश रहते हैं और अंत में परमात्मा को भी प्राप्त करते हैं। तो आइए दिति की कथा सुनते हैं। तो दिति जो है कश्यप ऋषि की धर्मपत्नी थी। एक दिन सायंकाल को दिति श्रृंगार करके पति के पास आई और काम उपभोग करने की इच्छा प्रकट करी क्योंकि वो कामातुर हो गई थी। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि ये सायंकाल का समय है, ये दीपक जलाने का समय है, ये भजन करने का समय है, इस समय काम उपभोग के लिए ये समय अनुकूल नहीं है, तुम जाओ दीपक जलाओ। दिति जो थी पीछे पड़ गई कि नहीं, क्योंकि वो कामातुर हो चुकी थी। तो खास में कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मियों का अंश है। सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं, उस समय घर बंद होगा तो लक्ष्मी जी का कहते ना हमारे यहाँ धन नहीं आता, कहने घर में दीपक नहीं जलाओगे, शाम को भजन नहीं करोगे, घर बंद करके चले जाओगे तो लक्ष्मी जी जय श्री कृष्ण कहकर वापस लौट जाएंगी। आजकल तथाकथित सुधरे हुए लोग खास करके शाम को ही ताला लगा कर निकल पड़ते हैं, शाम को मन नहीं लगता घर में तो सब ताला लगा के निकल पड़ते हैं। घूमने जाना ही है तो सूर्यास्त से पहले लौट आना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि शाम को घर में से बाहर भटकती ना फिरें, संध्या समय तुलसी की पूजा करो और वहाँ दीपक जलाओ। संध्या समय दीपक जलाना चाहिए, आरती करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। भगवान के आगे दीप धूप जलाओ, मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वहाँ प्रकाश जलाना है। अब दशम स्कंद में कथा आती है कि गोपियाँ माता यशोदा से शिकायत करती हैं कि कन्हैया हमारा माखन खा जाता है। तो यशोदा मैया कहती तुम लोग अंधेरे में रखा करो, तो बोली जहाँ कन्हैया जाता है वहाँ प्रकाश आ जाता है, क्या करें, कृष्ण कन्हैया तो स्वयं प्रकाश है, वो जहाँ जाएंगे प्रकाश हो जाएगा। ईश्वर पर प्रकाश ही नहीं, स्वयं प्रकाश ही है। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं है, दिए की जरूरत तो मानव को है। क्यों, जो सायंकाल सूर्य और चंद्रमा दोनों की तेज क्षीण हो जाता है, दुर्बल होते हैं। सूर्य बुद्धि का स्वामी और चंद्र मन का। मन बुद्धि के स्वामी सूर्य और चंद्र सायंकाल में दुर्बल होने के कारण मन और बुद्धि में काम का प्रवेश होता है। कहने शाम को सूर्यास्त हो जाता है, चंद्रमा निकलता नहीं है तो मन दुर्बल पड़ जाता है, तो उसमें काम का प्रवेश हो जाता है। अगर उस समय आप सांझ की वेला में आप भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, अपना कुछ पाठ करेंगे या कुछ शास्त्र पढ़ेंगे या संकीर्तन करेंगे तो काम आपके मन में प्रवेश नहीं करेगा। कश्यप ऋषि दिति को समझाते हैं कि भामिनी मान जाओ, भगवान शंकर इस समय जीव मात को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं, अतः इस समय स्त्री संग करने से शंकर भगवान का अपमान होगा और अपमान के कारण अनर्थ होगा, शंकर भगवान देख लेंगे तो दंड देंगे। काफ़ी मना करते हैं कश्यप ऋषि दिति को कि इस समय शंकर भगवान जो है वो जी मात को निहारने आते हैं, यानी लक्ष्मी नारायण भी आते हैं और भगवान शंकर भी आते हैं, तो उनका अपमान होगा, इस समय दुराग्रह मत करो।
अब कह रहे हैं भगवान शंकर जो है वो भस्म लगाते हैं क्योंकि इस शरीर का अंत भस्म से ही होने वाला है, तो विवेक से काम सुख का उपभोग करके काम का विनाश करने के लिए है। यानी गृहस्थ आश्रम काम सुख भोग के लिए नहीं है, वो विवेक से काम उपभोग को का विनाश करने के लिए है, वैराग के लिए है। नियम पूर्वक काम के विनाश के लिए गृहस्थ आश्रम है। काम ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद बाहर निकलता ही नहीं। यानी काम ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदय में प्रवेश कर जाए तो निकलता ही नहीं है। दिति की भेद बुद्धि में से इन हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपों का जन्म हुआ। अब दिति के दुराग्रह के आगे कश्यप ऋषि जो है वो झुक गए और दिति को घर धारण हुआ। दिति की भेद बुद्धि में से इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपों का जन्म हुआ। सभी में मेरे नारायण का वास है, ऐसे अभेद भाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। दिति ने कश्यप की बात न मानी और कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए। अंत में दिति को अपनी क्षति का भान हुआ और पछताई। अब इसके ट्विंस हो गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म होगा और इसको गर्व रह गया दिति को। काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर ही ना दिया जाए। एक बार काम को हृदय में प्रवेश हो गया कि स्यानापन निरर्थक हो जाता है। यानी एक बार कोई इच्छा मन में घुस जाए, काम घुस जाए, तो फिर वो जितनी भी बुद्धि है, जितनी भी समझ है, वो सब नष्ट हो जाती है और आदमी जो है उसका मन दुराग्रह में पड़ जाता है कि मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए। दिति ने भी कामांध होने के कारण ही स्यानापन गंवा दिया था। मनुष्य केवल शरीर का भी विचार करेगा तो भी उसके हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा और वैराग्य के भावों की उत्पत्ति होगी। अगर मनुष्य शरीर का विचार करेगा कि शरीर कैसा है, इसमें टेढ़ी तिरछी हड्डियाँ लगी हुई हैं, देखिए कोई सीधी लगी है, कोई टेढ़ी लगी है, कोई कैसी लगी है, ये सब रिब बोन सब टेढ़ी टेढ़ी हैं, जो वो है यहाँ पे एक सीधी बोन है, फिर पैरों की बोन सीधी हैं, हाथों की टेढ़ी हैं, कहीं सीधी हैं, कहीं टेढ़ी हड्डियाँ हैं, कहीं कैसी हैं, कहीं कैसी हैं। कह रहे हैं सब, अगर हड्डी कहीं रस्ते में पड़ी मिल जाए तो हम उसको हाथ लगा कर हाथ धोते हैं, नहाते हैं, और कह रहे हैं इस शरीर को छूते रहते हैं सारे दिन, ये हड्डियों से बना हुआ, ऊपर से खाल चढ़ी हुई है, तो कुछ नहीं होता। अतः अंदर की चीज़ें नहीं देखती, अन्यथा रास्ते में पड़ी हुई हड्डी के टुकड़े को कोई छुएगा भी नहीं। वह सोचेगा इसे छूने से शरीर अपवित्र हो जाएगा, किंतु वही मनुष्य देह में छिपी हुई हड्डियों से मिस प्रेम करता। ऐसी मूर्खता दूसरी और क्या होगी। भागवत में जय कहा गया है कि शरीर कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है, ऐसे शरीर का मुँह छोड़ो। जब दिति ने जाना कि उसके गर्भ में राक्षस उत्पन्न होंगे तो वे घबरा गए। तब कश्यप ने कहा उनका संस्कार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। तो दिति ने कहा तब तो मेरे पुत्र बड़े भागशाली होंगे। कश्यप ने दिति को ऐसा भी आश्वासन दिया कि तेरा पुत्र पर पौत्र यानी प्रहलाद पैदा होगा और वो बहुत बड़ा भागवत भक्त बनेगा। बोले साधारण भागवत तो बहुत होते हैं, पर खास भागवत भक्त कौन होता है, जिसके संग से औरों को भक्ति का रंग लग जाए। क्योंकि प्रहलाद को जो छूता था वो भी श्रीमन नारायण नारायण कह के नाचने लगता था। प्रहलाद महान वैष्णव है, प्रहलाद के संग में आने वाली पर भी भक्ति का रंग लग जाता है। तुम्हारी संगत करने वाले पर भक्ति का रंग ना लगे तो मानो कि तुम्हारी भक्ति अभी कच्ची ही है, किंतु दूसरों को सुधारने की तकलीफ में पड़ने की साधारण मनुष्य को कोई ज़रूरत नहीं है। तो गुरु कहते हैं आप दूसरों को मत सुधारो, अपने को सुधारो। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज। तुम अपना ही मन शुद्ध कर लो तो बस यही काफ़ी है। आजकल तो फैशन और व्यसन में ही समय और संपत्ति का व्यय होता है। किसमें? फैशन और व्यसन में। व्यसन के पीछे पागल बना हुआ व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उन्हें जो कपड़ों के और शक्ल के चक्कर में, बालों के चक्कर में, इन सब चक्करों में पड़ा है, वो कह रहे भक्ति नहीं कर सकता। वैष्णव तो वह है जो निर्वासनी हो, जो भगवान की आराधना करना चाहता है। उसे लौकिक व्यसन से प्रीति नहीं करनी चाहिए। जिसे ईश्वर की आराधना करनी है उसे चाहिए कि यह फैशन और व्यसन में ना फंसे।
व्यसन हो तो एक ही हो और वे व्यसन हो कृष्ण भक्ति का। कहने एक ही व्यसन होना चाहिए कृष्ण भक्ति का, व्यसन रूप होनी चाहिए, पीछे पड़ जाए भक्ति के और उसके उसके बिना चैन ना आए। तुकाराम महाराज को भक्ति का ऐसा व्यसन था, उनकी आँखों को ऐसी आदत पड़ गई थी कि वो वासुदेव सर्वम देखते थे, वो कृष्ण के अलावा कुछ नहीं देखते थे, उनकी आँख सिर्फ कृष्ण देखती थी। उनको पक्का हो गया था कि है ही भगवान, भगवान के अलावा वो कुछ नहीं देखते थे। कह रहे तुम भक्ति व्यसन रूपी हो जाएगी तो तुम्हें मुक्ति दिलाएगी, भक्ति व्यसन सी हो जाती है तो तुरंत मुक्ति मिलती है। कह रहे राज शासन से समाज नहीं सुधरता, दंड लगा दिया ये करोगे तो ऐसा दंड मिलेगा, समाज नहीं सुधरता, किंतु सद्भाव के द्वारा उसे सुधार सकते हैं। प्रहलाद के संग में जो आया उन सभी का उन्होंने कल्याण किया। बोले भक्तों से संतों से समाज सुधरता। अब देखिए गुरु भगवान सत्संग करते हैं तो कितने लोगों का जीवन बदल गया है ना, कि जितने लोग मैसेजेस पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे पिक्चर मैसेजेस जाते हैं, रिटन मैसेजेस जाते हैं, सत्संग आता है, तो कितना लाभ होता है और लोगों का जीवन बदलता है। अपने मन को पहचानने लगते हैं, अपने अहंकार को पहचानने लगते हैं। दिति गर्भवती हुई, उसने सोचा मेरे पुत्र देवों को कष्ट देंगे, देवताओं को कष्ट देंगे, अतः उनका जन्म शीघ्र ना हो। इस विचार से, देखिए पहले कैसे होता था, इस विचार से दिति ने 100 वर्ष गर्भ धारण किया। 100 वर्ष, ये भगवान। सूर्य चंद्र का तेज क्षीण होने लगा, देवता घबराए, वे ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे पूछा कि दिति के घर में कौन है। उन्हें ब्रह्मा जी ने दिति के घर में जो थे उनकी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, अब उन्होंने ब्रह्मा जी ने दिति के घर में कैसे आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप उसकी कथा सुनाई। एक बार मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन आदि लक्ष्मी नारायण से मिलने गए। जब वो लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने कहा लक्ष्मी नारायण के दर्शन तभी हो सकते हैं जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण क्या है? मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन किससे कहते हैं? जो संकल्प विकल्प करता है उसे मन कहते हैं, और जो निर्णय करता है उसे बुद्धि कहते हैं, और जो बातों को रख लेता है मन में, स्टोर कर लेता है, उसे चित्त कहते हैं, और जो निश्चय कर लेता है उसे बुद्धि कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इससे अंतःकरण बनता है। तो कह रहे मन बुद्धि चित्त अहंकार इन चारों को शुद्ध करो, बिना इन चारों को शुद्ध किए परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। अब देखिए ये तो एक रीति है कि अंतःकरण को शुद्ध करो तो परमात्मा के दर्शन होंगे। दूसरे स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं तुम भगवान से अपनापन कर लो, भगवान से अपनापन कर लो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो इसमें अंतःकरण शुद्ध करना तो जरूरी है ही, पर इससे हमारा प्रेम भगवान से हो जाता है, और प्रेम हो जाता है तो अंतःकरण स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। और ऐसे हम अंतःकरण शुद्ध करने चलते हैं तो कभी होता है कभी नहीं होता, कभी मन से मिल जाते हैं, कभी चित्त से मिल जाते हैं, कभी बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती, पर प्रेम हो जाए, भगवान से अपनापन हो जाए तो अंतःकरण स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मचर्य के बिना इन चारों की शुद्धि नहीं होती। ब्रह्मचर्य तभी सिद्ध होता है जबकि ब्रह्म निष्ठा सिद्ध होती है। कह रहे जब तक जीवन में ब्रह्मचर्य ना हो तब तक ये शुद्ध नहीं होते। ब्रह्मचर्य क्या है? सभी इंद्रियों से ब्रह्म का आचरण करना, आँख देखे तो भगवान, मुंह से बोले तो भगवान की बात, स्पर्श करें तो भगवान, तो सब कुछ भगवान। सनत कुमार ब्रह्मचर्य के अवतार हैं, महाज्ञानी है फिर भी बालक जैसे दैन भाव में रहते हैं। सनक सनंदन सनत कुमार जो हैं ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और ये छोटे ही रहते हैं, और ये चारों जो हैं मिलकर आपस में भगवान की कथा वार्ता करते रहते हैं। सनत कुमार आदि नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाते हैं। अब ये जाने की कोशिश कर रहे हैं वैकुंठ में, तो कह रहे हैं ईश्वर की सभा में जो है वो विषमता नहीं है। तुम भोजन में विषमता करते हो, है ना, हम मतलब ये बता रहे हैं कि इनको द्वार पर जय विजय ने रोक लिया कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तो इन्हें बुरा लगा, बहुत बुरा लगा।
तो इन्हें गुरु गुस्सा आ गया कि भाई हमारे पिता हैं लक्ष्मी नारायण, हमारे माता पिता हैं, तो हम मिलने क्यों नहीं जा सकते। तो इन सनत सनंदन सनत कुमार आदि को क्रोध आ गया। तो अब ये कह रहे हैं कि ईश्वर की राजसभा में विषमता नहीं है और तुम भी भोजन में विषमता मत करो। नौकरानी के लिए अलग भोजन चावल बनाओगे, साधु बाबा के लिए अलग, और अपने लिए दिल्ली का बासमती चावल बनाओगे। तो कह रहे हैं सबके लिए समान भाव से भोजन पकाओ। लोग क्या करते हैं, अपने तो जैसे तो सब्जी महंगी होती है वो बना लेते हैं और सेवक से कहते हैं सेवक के लिए आलू की सब्जी, रोज बेचारा आलू खाए। तो जो आप खुद खा रहे हैं वो ही सबको खिलाइए। सबके लिए समान भाव से एक ही तरह का भोजन पकाओ। हमारी माताएं परोसने में बड़ी चतुर हैं, अपनी या अपनों की रोटी में घी लगाती हैं, दूसरों के लिए नहीं। भोजन में विषमता मत करो। कह रहे हैं जो भोजन में विषमता करता है उसे संग्रहणी का रोग हो जाता है। वैकुंठ में विषमता नहीं होती, लक्ष्मी जी वैकुंठ में प्रमाद नहीं करती। वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं सेवा करती हैं और झाड़ू बुहा देती हैं। देखिए लक्ष्मी जी जो हैं वैकुंठ में वो आलस नहीं करती, वो स्वयं सेवा करती हैं और स्वयं झाड़ू लगाती हैं। सोचिए सोचिए, लक्ष्मी जी वैकुंठ में खुद झाड़ू लगाती हैं, खुद सब काम करती हैं, आलस नहीं करती है। सनत कुमार वैकुंठ के 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर आए, वहाँ जय विजय खड़े थे। कह रहे 7 द्वार तो उन्होंने पार कर लिए, अब जो लास्ट के द्वार पर आए 8वें द्वार पर, तो जय विजय खड़े थे। सनत कुमार भगवान के प्रसाद में प्रवेश कर ही रहे थे कि भगवान के द्वारपाल जय विजय ने उन्हें रोक लिया। सनत कुमार ने कहा हम तो माता पिता लक्ष्मी नारायण से मिलने जा रहे हैं। सनत कुमार कौपीनधारी थे। कौपीन का अर्थ केवल लंगोटी नहीं है, जितेंद्रिय भी है। केवल लंगोटी पहनते हैं उनका मतलब वो जितेंद्रिय भी होना चाहिए। भगवान का दर्शन करने के लिए जितेंद्रिय होकर ही रहना पड़ता है। द्वारपालों ने सनत कुमार से कहा अंदर से आज्ञा मिलने पर हम आपको प्रवेश करने देंगे, तब तक आप यहीं रुकिए। सनत कुमार ये सुन के क्रोधित हो गए। सनत कुमार को बड़ा क्रोध आ गया। क्रोध कामनोज का छोटा भाई है। अब कह रहे हैं जब मन में काम होता है, कामना होती है कि मेरा मान होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, और कोई कोई रोके या मना करे तो बहुत गुस्सा आ जाता है। हमारा मन है कोई बहुत काम करने का, तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा बहुत मन होता है, बहुत इच्छा होती है, तो फिर कोई मना करे तो गुस्सा आ जाता है। तो कह रहे हैं जो क्रोध है वो काम का छोटा भाई है। अति सावधान रहने पर काम को तो मारा जा सकता है, किंतु क्रोध को मारना कठिन। काम का मूल संकल्प है। कह रहे काम कैसे होता है, संकल्प। हम संकल्प विकल्प करते रहते हैं। भगवान ने कहा कि इन विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना होती है। मतलब विषयों का चिंतन करने से, किसी भी चीज़ का आप चिंतन करेंगे, सूट का, कपड़ों का, खाने का, पीने का, घूमने का, किसी भी चीज़ का चिंतन करेंगे और उसमें रुकावट आएगी। विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति जाती है, आसक्ति से कामना होती है। कामना जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और क्रोध आने से मति में भ्रम हो जाता है, हम भगवान को भूल जाते हैं। काम का मूल संकल्प है। किसी यानी किसी और के शरीर का चिंतन नहीं करते, अतः काम उन्हें पीड़ा नहीं दे पाता। ज्ञानी पुरुष का पतन काम द्वारा नहीं, क्रोध के कारण ही होता है। कह रहे हैं ज्ञानी पुरुष को क्रोध जाता आता है। आपने देखा होगा दुर्वासा ऋषि को कितना क्रोध आता था। तो जो ज्ञानी होते हैं उनका अहंकार बढ़ जाता है, तो उन्हें क्रोध बहुत आता है। 6 द्वार पार करके ज्ञानी पुरुष आगे बढ़ता है, किंतु 7वें द्वार पर जय विजय उसे रोक लेते हैं। योग के 7 प्रकार के अंग ही वैकुंठ के 7 द्वार हैं। वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। योग के क्या 7 द्वार हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा, और फिर उसके बाद समाधि 8वां द्वार। इन 7 द्वारों को पार करके के बाद ब्रह्म साक्षात्कार होता है। योग के 7 अंगों को सिद्ध करने के लिए वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। अब कह रहे हैं ध्यान का क्या अर्थ है, कि हमारा मन पूरा भगवान में लग जाए। साधक को जीवन में अंतिम सांस तक सावधान रहने की ज़रूरत है।
जय विजय प्रतिष्ठा के दो स्वरूप हैं। सेवा में प्रमाद करने वाले का पतन होता है, सिद्धि के मिलने में पर प्रसिद्धि होती है। कह रहे हैं हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमारा मन मान बढ़ाई ईर्ष्या में लगा रहता है। हमको सुख आराम चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, मान बढ़ाई सुख आराम भोग संग्रह हमारा मन इनमें लगा रहता है। और बोले जय विजय कौन है, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि के रूप। जब हमको प्रतिष्ठा चाहिए फिर उसका सम्मान हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, उसको पूछा मुझे क्यों नहीं पूछा, उसको बताया मुझे क्यों नहीं बताया, उसे ले गए मुझे क्यों नहीं ले गए, उसको तो प्रेम से बोलते मुझे डांट देते, कितनी सारी बातें। जय अर्थात स्वदेश में प्रतिष्ठा और विजय अर्थात परदेश में विजय। जगत मेरे लिए क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो, किंतु जगदीश्वर क्या कहेंगे उसी का ख्याल करो। जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है वह परमात्मा से दूर हो जाता है। उसको संसार में मान प्रतिष्ठा चाहिए, उसे भगवान से प्रेम नहीं होता, उसी में फंसा रहता है। अब ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, एक जगह बैठकर भजन करके भगवान में मन नहीं लगा पाता। जय विजय को संकादि का शाप। भगवान के राजमहल के सातवें द्वार पर जीव को जय विजय रोकते हैं। जय विजय का अर्थ है कीर्ति और प्रतिष्ठा। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य नहीं छोड़ सकता। वह घर का नाम तो रखता है अशोक निवास, किंतु वह अशोक भाई कब तक बने रहेंगे। घर का नाम ठाकुर जी के नाम पर रखो। हमारे घर का नाम है ना मोहन निवास, है ना, मोहन निवास है ना, ये ऐसे राम निवास, मोहन निवास, श्याम निवास, राधा कुटीर, श्याम कुटीर। घर पर भी नाम है और कथा में भी बैठ कहने घर पर भी नाम लिखा हुआ है अपना, और आसन पे बैठे उस पर भी नाम लिखा हुआ है, और पंखे पे भी नाम लिखा है। लोग पंखा दान करते हैं ना, आसन दान करते हैं, सब पे नाम लिखवा देते हैं। तो कह रहे हैं तुम पंखे पे घूमते रहोगे और तुम्हारे 84 के चक्कर कटेगा नहीं। कितनी नाम की इच्छा है, घर और आसन पे लिखे हुए ये नाम कितने दिन तक रह पाएंगे। घर का मोह छूटता है किंतु प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूट पाता। शिष्य कुछ प्रशंसा कर देते हैं तो गुरु मानने लगते हैं कि वे ब्रह्मरूप हो गए। गुरु जी को कौन गिराता है, शिष्य। तो गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले धाव, दोनों डूबे बापरे बैठ पत्थर की नाव। तो गुरु के शिष्य क्या कहता है, लो भी गुरु जी, लो भी, ले लो ना गुरु जी, मैं लाया हूँ इतने मन से, देखो गुरु जी लाया हूँ ना मैं, ले लो। फिर तो कहेगा ले लो भी, लो भी, लो भी। फिर तो कहेगा गुरु जी आप लो भी ले लो। और जब वो गुरु जी ले लेंगे तो गुरु जी तो लो भी। इसलिए किसी के चक्कर में मत पड़िए, कोई चीज़ स्वीकार मत करिए। जो सेवा स्मरण की वह धीरे धीरे उपेक्षा करने लगता है और वह पतित हो जाता है, यानी ज़्यादा प्रसिद्धि होने लगती है तो सेवा स्मरण की वो उपेक्षा करने लगता है। मनुष्य का मन नाम रूप में फंसा हुआ है, नाम और रूप का मोह जब तक न छूट पाए तब तक भक्ति नहीं हो सकती। मन श्री कृष्ण के रूप में फंस जाए तभी मुक्ति मिलती है। प्रतिष्ठा का मोह आया नहीं कि भगवान के द्वार पर से ही वापस लौटना पड़ता है। अब कह रहे हैं इन लोगों को भगवान ने अंदर तो प्रवेश करने नहीं दिया वैकुंठ में, तो अतः भगवान, उन्होंने देखा कुछ लड़ाई झगड़े की सी आवाज़ आ रही है, भगवान ने देखा तो बाहर आए, निकल कर आए। अतः भगवान अनुग्रह करके द्वार पर आए और सनत कुमारों को दर्शन दिया, किंतु वे भगवान के राजमहल में प्रवेश नहीं कर सके। महाप्रभु ने इस चरित्र की समाप्ति करते हुए कहा है कि ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में अभिमान विघ्न करता है। अभिमान के मूल में यही क्रोध है। कुछ अज्ञान अवस्था में करते हैं और कुछ लोग ज्ञानी होकर अभिमानवश क्रोध करते हैं, कुछ तो अज्ञानवश क्रोध करते हैं, कुछ अभिमान के कारण, ज्ञानी अभिमान के कारण क्रोध करता है। ब्राह्मण को शिक्षा न मिले तो वे अज्ञानी रहता है, और शिक्षा कुछ अधिक पाले तो कभी कभी अभिमानी होकर भी मरता है। कर्म मार्ग में विघ्न करता काम है, और कश्यप और दिति के मार्ग में काम ने ही बाधा डाली थी। काम से कर्म का नाश होता, कश्यप और ऋषि दिति के जीवन में किसने बाधा डाली थी, काम ने। भक्ति मार्ग में लोभ बाधक बनता है,
लोभ भक्ति का नाश करता है, ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न करता है, भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न करता है और ज्ञान मार्ग में क्रोध। सनत कुमार के मार्ग में क्रोध ने ही बाधा डाली, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है, देह दृष्टि से काम उत्पन्न होता है। ज्ञानी के मार्ग में काम बाधा नहीं डालता किंतु क्रोध बाधा डालता है। इन तीनों के कारण पुण्य का लय क्षय होता है, विवेक से काम नष्ट होता है किंतु क्रोध को नष्ट करना कठिन है। कह रहे विवेक से थोड़ा समझा बुझा के मन को, अरे छोड़ो, अरे जाने भी दो, अरे मुझे नहीं चाहिए, अरे क्या सुख मिलेगा, अरे सब बेकार है, सब ठीक है, जितना मिल जाए उसमें संतोष करो। काम को तो फिर भी आप हटा सकते हैं, पर एक बार क्रोध आ जाए मन में, जोर का गुस्सा आ जाए, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल। एकनाथ जी महाराज ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि कामी और लोभी को तो कुछ ना कुछ तत्कालिक लाभ हो सकता है किंतु क्रोध करने वाले को कभी कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उसके पुण्य का क्षय भी हो जाता है। अब कह रहे कामी और लोभी को तो कुछ मिल भी सकता है ना, कामी और लोभी को तो कोई चीज़ भी मिलती है, पर क्रोधी को क्या मिलता है? क्रोधी को तो कुछ भी नहीं मिलता, उसके तो सिर्फ पुण्यों का क्षय होता है। दूसरे लोग उससे उसकी बात का बुरा मान जाते हैं, लोगों से भी दूर हो जाता। अब उन्होंने इसमें दृष्टांत दिया है कि भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न करता है। कैसे? एक बार एक गृहस्थ जो है वो ठाकुर जी के लिए फूल खरीदने गया, तो उन्होंने कहा ये गुलाब का फूल कितने का है? तो उन्होंने कहा ये 10 रुपये के 5 है, तो 2 रुपये का ही। तो उसने कहा अच्छा, हमारे ठाकुर जी को तो कन्नेरी ठीक है, कन्नेर के फूल दे दो। पर जब पत्नी की बेड़ी लेने गया, बेले की बेड़ी, तो सुंदर सुंदर वेणी छाट के लाया। ठाकुर जी के लिए कन्नेर के फूल और पत्नी के लिए सबसे सुंदर बेला के फूल की वेणी। तो बोले ऐसे करना चाहिए, तो ज़्यादा प्रिय कौन है, पत्नी या ठाकुर जी? ठाकुर जी के लिए लोभ आ गया हमारे, मैं इन पे क्यों पैसे खर्च करूँ? बोले सत्यनारायण की कथा में बैठेगा तो अच्छा सा पीताम्बर बैठ के पहन के बैठेगा, और ठाकुर जी के लिए कहेगा ठाकुर जी को वस्त्र अर्पण करने होंगे, कलावा दे दो, कलावा ही तो रख देते हैं ठाकुर जी के वस्त्र के लिए। मैंने कलावा रख देते हैं, खुद बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी साड़ी, नई साड़ी, नए कपड़े पहनाएंगे, बच्चों को भी, अपने को भी, और सब लोग सच के बैठेंगे। भगवान कहते हैं बेटा मैं सब समझता हूँ, मैं भी तुझे एक दिन लंगोटी ही पहनाऊँगा, मैंने तेरी लंगोटी के लिए डोरी रख छोड़ी है। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं करना। जमुनादास एक भक्त था। एक बार मैं ठाकुर जी के लिए फूल लेने के लिए बाजार में निकला, माली की दुकान पर एक अच्छा सा कमल देखा। कमल देखकर उसने कहा तो बहुत सुंदर है, मैं ये कमल अपने ठाकुर जी के लिए ले जाऊँगा। तो उसने उससे पूछा दुकानदार से कि कमल कितने का है? तो उसने कहा कि ये कमल जो है ये 5 रुपये का। तभी एक यवन भी वहाँ आ गया, उसने भी कहा ये मुझे कमल चाहिए, मुझे बहुत सुंदर कमल था, तो उसको वेश्या को देना था। तो उसने कहा मैं इसके 10 रुपये देता हूँ। तो जमुनादास जी ने कहा कि अच्छा ये 10 रुपये कह रहा है तो मैं इसके 50 रुपये देता हूँ। तो यवन ने कहा मैं इसके 100 रुपये देता। तो फिर उसने कहा, यवन ने कहा मैं 100 रुपये देता हूँ। जमुनादास ने कहा मैं इसके 10,000 देता हूँ। तो उसने कहा मैं इसके 20,000 देता हूँ। तो जमुनादास ने सीधे कह दिया कि मैं इसके 1,00,000 रुपये देता हूँ। अब 5 रुपये का फूल जमुनादास ने 1,00,000 रुपये में खरीदा। खरीद सकते हैं आप एक फूल? क्यों? क्योंकि उनको ठाकुर जी को अर्पण कर, कितना ज्यादा प्रेम है ठाकुर जी से। तो खैर उन्होंने वो फूल खरीद लिया और उनकी सारी उन्होंने अपनी संपत्ति उस समय के, आज से 500 साल पहले के, 1,00,000 रुपये उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और वो फूल खरीद लिया। जब वो ठाकुर जी को अर्पण करने गए फूल, तो ठाकुर जी ने सर झुका के उसको स्वीकार किया और अपने मुकुट पर धारण किया। तो अगर हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो ठाकुर जी भी हमसे प्रेम करते हैं। अगर ठाकुर जी को प्रेम से आप कोई वस्तु ले
अपना सर्वस्व अर्पण करके देंगे तो ठाकुर जी भी उसको स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान ने बताया कि भक्त के इस फूल का वजन मेरे लिए अत्यधिक था, और भक्त इस फूल का वजन भगवान के लिए अत्यधिक था। भगवान ने कहा इसने तो अपना सर्वस्व मेरे लिए लुटा दिया, इसने तो अपना सर्वस्व मुझे अर्पण कर दिया, अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया। सनत कुमार क्रोधित हुए, अतः उनका पतन हुआ। प्रभु के द्वार पर पहुंचकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। काम क्रोध अंदर के विकार हैं, वे बाहर से नहीं आते। कह रहे अंदर में हमारे काम क्रोध हैं। कोई चीज़ हम कहते ना, इसने ऐसी चीज़ दिखा दी तो मुझे आ गया काम क्रोध आ गया। कह रहे नहीं, वो तुम्हारे अंदर में पड़ा हुआ है। कोई चीज़ देख के वो काम निकल आता है, जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो क्रोध आता है। तो ये अंदर के विकार हैं, अंदर पड़े हुए हैं, सामने कारण आने पर निकल आते हैं। अगर कहीं कारण नहीं आएगा तो आएगा ही नहीं, नहीं निकल आते। अंदर पड़े हुए इसलिए निकल आते हैं। सनत कुमार को क्रोध बाहर से नहीं आया, अवसर मिलते ही विकार बाहर आ जाते हैं। अतः मन पर सत्संग की भक्ति का अंकुश रखो, सतत ईश्वर चिंतन करने से अंदर के विकार शांत हो जाते हैं। हर समय सत्संग में रहिए तो आपके काम क्रोध रूपी विकार शांत हो जाए। सनत कुमार ने क्रोधित होकर जय विजय को श्राप दिया। राक्षसों में ही विषमता होती है, तुम दोनों के मन में भी विषमता है, अतः तुम राक्षस हो जाओ। मंदिर में थोड़ा सा पाप किया जाए तो वे महापाप होता है। सनत कुमार ने बैकुंठ में क्रोध किया। कहते मंदिर में अगर आप पाप करें, किसी को भी गुस्सा करें, किसी की चप्पल चुरा लें, किसी को धक्का दे दें, किसी का पर्स चुरा लें, कहते वो महापाप होता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो कह रहे उन्होंने बैकुंठ में क्रोध किया तो उन्हें बहुत पाप लगा। सनक आदि ऋषियों ने श्राप दिया इनको जय विजय को कि तुम दैत्य काल में 3 बार जन्म लेना। भगवान ने सोचा कि इन्होंने मेरे आंगन में ही पाप किया है, अतः वे घर में आने के पात्र नहीं। इन्होंने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई है, अतः वे मेरे धाम में आने की पात्रता गंवा चुके हैं। मैं बाहर जाकर उन्हें दर्शन दे आऊँगा। सनक आदि को अंदर प्रवेश ना मिल सका। यदि वे अंदर आ सके होते तो फिर बाहर आने का प्रश्न ही नहीं होता था। एक बार बैकुंठ में प्रवेश कर जाते तो जो बैकुंठ में एक बार प्रवेश कर जाता है तो फिर वो वहीं रह जाता है। कारण भगवान का परम धाम तो यत गत्वा निवर्तन्ते, कि जहाँ से वापस लौटना है ही नहीं। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि लगता है बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है। वे दोनों बाहर आए। ठाकुर जी ने सनत कुमार की ओर नहीं देखा, आज नजर धरती पर है। अपने द्वार किए हुए पापों के लिए सच्चे हृदय से जीव जब तक पछताए नहीं तब तक ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। लोग अपने को वैष्णव कहलाते हैं किंतु पाप करना नहीं छोड़ते। स्वदोष दर्शन ये ईश्वर दर्शन का फल है। कह रहे अपनी कमी खुद दिख जाए, अपने दोष खुद दिख जाए, ये ईश्वर की भक्ति का फल होता है। सनत कुमार वंदन करते हैं किंतु प्रभु जी ने उनकी ओर नहीं देखा। दोनों ऋषि भगवान से क्षमा याचना करने लगे। प्रभु ने कहा भूल तुमसे हुई है, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान। भगवान कह रहे तुमने क्रोध किया तुमने भूल की और तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। ब्राह्मण भगवान को प्रिय हैं क्योंकि भगवान की पहचान कराते हैं। भगवान कहते हैं आपने मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया है, ब्रह्मा लक्ष्मी से भी मेरा भक्त मुझे अधिक प्रिय है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा लक्ष्मी से भी मुझे मेरा भक्त प्रिय है। फिर कहा कि कहीं लक्ष्मी जी नाराज ना हो जाए तो कहा, फिर भगवान ने उसको चेंज कर दिया कि मुझे निष्काम भक्त प्रिय है और लक्ष्मी जी तो निष्काम है ही, मुझे अपना निष्काम भक्त प्रिय है। भक्ति निष्काम हो तो वे भी प्रिय नहीं लगती, निष्काम नहीं हो तो वे भी प्रिय नहीं लगती। चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थित हो जाती है। तुलसा जी राधा जी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का तात्पर्य है जीवात्मा का ही विवाह, ठाकुर जी से विवाह। जय विजय का स्वर से पतन। संकादि सोच रहे हैं हमारी प्रशंसा तो बहुत की जा रही किंतु हमें धाम के अंदर तो बुलाते ही नहीं। हमें भी तपश्चर्या करने की आवश्यकता है, अभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हो पाया। वे ब्रह्म लोक में पधारे। जय विजय को सांत्वना देते हुए नारायण भगवान ने कहा तुम्हारे 3 अवतार होंगे। सनक आदि के श्राप से जय और विजय क्रमशः हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु
के रूप में अवतरित हुए, फिर रावण कुंभकर्ण और फिर शिशुपाल और दंतवक्र, ऐसे तीन बार इनका जन्म हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, दिति के घर में जय विजय आए, दो बालकों का जन्म हुआ, उनका नाम हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रखा गया। असमय में किए गए काम उपभोग के कारण दिति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ, अतः काम के अधीन मत हो। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्म तिथि जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन हो, आदि दिवसों में ब्रह्मचर्य का पालन कर। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रोज चार चार हाथ बढ़ते थे। बताइए, रोज चार चार हाथ बढ़े तो रोज कपड़े छोटे हो जाए? तो कहा कि ऐसा नहीं होता है, ये भागवत में समाधि भाषा है। रोज चार चार हाथ बड़े होंगे कपड़े, तो सारे दिन से कपड़े से लगते रहोगे, कैसे करोगे? तो कह रहे हैं चार चार हाथ बड़े होते गए, इसका मतलब हुआ इससे लोभ का स्वरूप बताया गया है। चार चार हाथ भर रोज बढ़ते थे, मतलब रोज रोज लोभ बढ़ता ही जाता है। तो जितना पैसा मिलता है, जितना मान सम्मान बढ़ता है, जितनी चीज़ें मिलती हैं, उतना लोभ बढ़ता जाता है। लाभ से लोभ बढ़ता है, किंतु प्रभु कृपा से लोभ का अंत नहीं होता, यानी बिना प्रभु कृपा के लोभ का अंत नहीं होता। वृद्धावस्था में शरीर के जीर्ण हो जाने के कारण काम तो मर जाता है, किंतु लोभ का नाश नहीं होता। यानी बिल्कुल सही बात है, जब शरीर बुढ़ा हो जाता है तो काम का नाश तो हो जाता है, काम नहीं रहता फिर, पर लोभ का नाश नहीं होता। देखिए, खाने में भी लोभ होता है, हमें पेट भर गया फिर भी और खा लेते हैं, कपड़े बहुत हैं फिर भी नया ले लेते हैं, खाने में, पीने में, पहनने में, घूमने में, बहुत घूम लिया फिर भी घूमने चले जाते हैं, हर चीज़ में, रूप रस गंध शब्द, इतना मान मिल गया फिर और मान चाहिए, कहने लोभ तो बढ़ता ही चला जाता। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है, कहने लाभ जितना मिलता है उतना लोभ बढ़ता है और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप के बढ़ने से धरती रसातल में जाती है, धरती माने मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्यकश्यपु का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरण्याक्ष माने मतलब संग्रह वृत्ति, और चाहिए और चाहिए, इतना सारा हो गया, अलमारियां भरी पड़ी हैं फिर भी और चाहिए, इतना खा लिया पेट फटा जा रहा है फिर भी और खा लो। कह रहे हिरण्यकश्यपु का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया, हिरण्यकश्यप ने भी बहुत कुछ उपभोग किया। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से पाप बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे कि रुपये पैसे में ही सुख मिलता है, तब से जगत में बहुत पाप बढ़ गया। जब से लोगों को पैसे की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई, तब से पाप बहुत बढ़ गया। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, अरे एक फ्लैट में रह रहे हो बहुत है, इधर ज़मीन खरीद के डाल ली, उधर ज़मीन खरीद के डाल ली, उधर फ्लैट खरीद लिया, उधर फ्लैट कर लिया, क्या है ये सब, लोग ही तो है, कितने घरों में रहोगे और एक भी घर ठीक से मेंटेन नहीं करोगे। हे नाथ एक घर लो, उसको अच्छे से रहो, उसमें सत्संग करो, सेवा सुमिरन करो, केवल धन से ही सुख मिलता हो ऐसी बात नहीं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के संहार के लिए भगवान ने क्रमशः वरा और नरसिंह अवतार धारण किया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोभ के ही अवतार है। भगवान ने काम को मारने के लिए अवतार लिया, अर्थात रावण कुंभकर्ण संहारने के लिए रामचंद्र का अवतार लिया, रावण कुंभकर्ण। क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल के वध के लिए एक कृष्ण अवतार लिया, किंतु लोभ को मारने के लिए दो अवतार लेने पड़े। काम और क्रोध को मारने के लिए एक एक अवतार ही लेना पड़ा, किंतु लोभ को मारने के लिए दो अवतार लेने पड़े। यही बताता है कि लोभ को पराजित करना बड़ा दुष्कर है। सच में, खाने का लोभ, पहनने का लोभ, घूमने का लोभ, पैसे का लोभ, मान सम्मान का लोभ, हर चीज़ का लोभ पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर है, मेरे अंदर नहीं, सबके अंदर लोभ, यानी काम का नाश तो हो जाता है पर लोभ का नहीं होता। वृद्धावस्था में कई लोगों में स्यानापन आता है, किंतु जो जवानी में ही स्यानापन स्याने बन जाए वही सच्चा स्याना है। शक्ति के क्षीण होने पर काम को जीतने में कौन सी बड़ी बात है? यानी जब बुढ़े हो गए, अब ताकत ही नहीं है, तो काम को जीता तो कौन सी बड़ी बात है? कोई कहना माने ही नहीं, यदि बूढ़े का क्रोध मिटे तो उसमें कौन सी अचरज की बात है?
देखिए अब शरीर से चला नहीं जाता, फिर भी दुकान पे जरूर जाएंगे बाबा जी, अरे बैठ के भजन करो, माला माला मन नहीं लगता, जीवन भर माला नहीं करी, जीवन भर कथा नहीं करी, कहाँ से मन लगे। किंतु ये लोभ तो वृद्धावस्था में भी अंत तक नहीं छूट पाता, लोभ को मारना कठिन है। सत्कर्म में विघ्न करता लोभ है, अतः संतोष के द्वारा उसे मारना चाहिए। कह रहे अब हमसे कोई सिद्धियाँ भी नहीं जाता, गुरु भगवान बता रहे थे आज बहुत सारा सामान कवाड़ी को फ्री दे दिया, और कुछ शर्ट्स मंगाई थी थोड़ी मतलब, और उसको एक शर्ट भी दे दी, खुश होकर चला गया दुआ दे के। अब दुकान होती है लोगों के शर्ट्स होती हैं, बिकनी भी होती चार चार साल से, अरे फ्री दे दो कवाड़ी वाले को, इसको उसको, सब सेवाधारियों को, सबको एक एक शर्ट फ्री दे दो। लोग संतोष से ही मरता है, इसलिए संतोष की आदत डालो। कह रहे लोग किससे मरता है, संतोष से, इसे संतोष की आदत डालो। लोभ आदि के प्रसार से पृथ्वी दुख रूपी सागर में डूब गई थी, अतः भगवान ने वरा अवतार लेकर उसका उद्धार किया। वरा भगवान संतोष के अवतार है, वरा अवतार यज्ञ अवतार है। वर प्लस अह, वर अर्थात श्रेष्ठ, अह मतलब दिवस। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है, जिस दिन तुम्हारे हाथों से सत्कर्म हो, यानी जिस दिन तुम्हारे हाथों से सत्कर्म हो वही दिवस तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। रोज सत्कर्म कर, सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है, भगवान को याद करना, भजन करना, फिर दूसरों की हेल्प करना, सेवा करना। गुरु जी तो कितना कहते हैं जो सबके लिए जीता है, जिसको देखकर दिल से हमारे आह निकल जाती है, यही तो वो चीज़ है जो मनुष्य को इंसान बना जाती है। चल कितना दुखी है, मैं इसके लिए कुछ करूँ, कहें ये भावना जो है यही मनुष्य को इंसान बना जाती है। गुरु कहते हैं कि अगर हमारे हाथ में चीज़ है तो पैर से ही दान दे दो, अगर हाथ में लोगे तो मन बदल जाएगा। मन इतना 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 बदमाश है कि कुछ देने नहीं देता। हिरण्याक्ष सत्कर्म में विघ्न करता है, मनुष्य के हाथों में सत्कर्म नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप है। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को वराह भगवान ने बाहर तो निकाला, किंतु उसे अपने पास ना रखा, उन्हें पृथ्वी मनु को अर्थात मनुष्यों को सौंप दी। वरा भगवान ने उसको निकाला पृथ्वी को, और उसको उनको मनु को दे दिया, मनुष्यों को दे दिया। जो कुछ अपने हाथों में आए उसे औरों को दे दीजिए। भगवान जब भगवान कृष्ण पैदा हुए तो यशोदा मैया ने सबको दिया और खुले दिल से लुटाया, सबने औरों को लुटा दिया, किसी ने अपने पास नहीं रखा, यही संतोष है। वरा भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप है, यज्ञ करने से चित्त की शुद्धि होती है, पूरे देने से चित्त शुद्ध होता है। हमारी इतनी इतनी चीज़ें हैं हमारे पास, इतनी चीज़ों में हमारी ममता है, अब हमने इतनी दे दी तो इतनी कम होगी ना, तो देने से हमारा ममत्व हमारा मेरापन घटता है। लोभ आदि का नाश करके चित्त शुद्धि करनी चाहिए, चित्त शुद्धि होने से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। कहने जब लोभ नहीं होगा तो भगवान की प्राप्ति हो। यज्ञ पूर्वक जीवन जियोगे तो ज्ञान मिलेगा, यज्ञ अवतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती, मन शुद्धि या चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं मिलता, तब ज्ञान अवतार भी नहीं होता और कपिल देव भी नहीं आते। अज्ञान को दूर करने के लिए काम वराह अवतार बताते हैं, कह रहे हैं कि जब तुम अपने मन में से लोभ दूर करोगे और संतोष लाओगे और चीज़ को आसानी से दे पाओगे तो तुम्हारे अंदर ब्रह्म विद्या यानी भगवान का भगवान से तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा, तुम्हारा मन भगवान में लगेगा और तुम्हारा मन चीज़ों में पड़ा रहेगा, तुम्हारा मन भगवान में नहीं लगेगा। भक्ति मन की एकाग्रता के लिए है, कर्म उपासना और ज्ञान तीनों की जीवन में ज़रूरत है। कर्म से चित्त शुद्ध होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा जागती है। शंकराचार्य कहते हैं लोग त्वचा की मीमांसा तो बहुत करते हैं परंतु आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। मेरी स्किन इतनी अच्छी नहीं है, मेरी स्किन थोड़ी रफ है, मेरी स्किन पे ये सूट नहीं करता, मेरे बाल अब बहुत कम हो गए, बोले यही सब करते रहोगे तो भगवान में कम मन लगेगा। हिरण्याक्ष ने वरा भगवान के पास आकर उनसे कहा तो सुअर जैसा है। हिरण्याक्ष के साथ वरा भगवान का युद्ध एवं हिरण्याक्ष का वध। अब हिरण्याक्ष जो है
भरा भगवान माने भगवान ने सुअर का अवतार लिया था, तो वो सुअर जैसे थे और वराह नारायण से कहा कि तू कुत्ते जैसा है। उन्होंने कहा सुअर जैसा है, उन्होंने कहा तू कुत्ते जैसा है, और बात बढ़ गई। सभी पापों का मूल वाणी है कह रहे सर कोई कह रहे तुम सुअर हो, तुम कह रहे कोई कह रहे तुम कुत्ता हो, तो कह रहे दादा लड़ाई बढ़ गई और कह रहे सभी बातों की बात, सभी पापों की बात शब्द है, वाणी है, तो शब्द संभाल बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे एक करे है घा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो ही शीतल, ऐसी मीठी वाणी बोलिए खुद भी शीतलता है और उनको भी शीतल करे, सबको सुख मिले आपकी वाणी से। कुछ लोग इतना मीठा बोलते हैं, इतना प्रेम से बोलते हैं कि सुन के आनंद आ जाता है, उनके मुख से फूल झड़ते हैं। बोले आप प्रेम से बोलना ऐसे है जैसे आपने किसी को मोतियों का कोश दान दे दिया। वाणी दोष होने से वीर दूषित होता है, उच्चार के बिना पाप नहीं होता, पहले मन के द्वारा उच्चारे जाने पर ही पाप होता है। मुष्टि प्रहार करके वरा भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी का राज मनु महाराज को सौंप दिया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। मनु से उन्होंने कहा कि धर्म से पृथ्वी का पालन करना, और वे बद्री नारायण के स्वरूप में लीन हो गए। मनुष्य मात्र का धर्म है समाज को सुखी करना। मनुष्य का क्या धर्म है? सबको सुख दे, सुखी सुख है सुख देने में और दुखी दुख है सुख लेने में। सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका मन भगवान में लगे, सबकी सोच सकारात्मक हो, सब सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सब निरोग हो, सब निरोगी बने। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। यह आदर्श वरा भगवान ने अपने ही आचरण द्वारा मनुष्यों को सिखाया। लोभ को मारने के लिए वरा नारायण के चरणों का आश्रय लो। वरा के चरण संतोष के स्वरूप। मनुष्य के जीवन में जब तक लोभ है तब तक पाप, और पाप जब तक है तब तक उसे शांति की प्राप्ति नहीं होती। जिसका जीवन निष्पाप है उसे ही शांति की प्राप्ति होती है। कहने एक बार एक जौहरी जो है वो एक राजा की राजा के राजदरबार में आता है, तब राजा उसे एक हीरा दिखाते और जौहरी से पूछते हैं इसकी कितनी कीमत होगी इस हीरे की। तो जौहरी कहता है इसकी कीमत होगी 99 लाख रुपए। तो राजा ने कहा 1 करोड़ क्यों नहीं? तो जौहरी ने 99 हीरे मंगाए और कहा देखिए इसकी इसकी 99 किरणें निकल रही हैं और एक नहीं निकल रही, तो इसलिए मैंने इसकी कीमत 99 लाख रुपए रखी। तो राजा बहुत खुश हो गए, वाह वेरी गुड, इसकी कीमत 99 लाख रुपए है, बहुत खुश हुए राजा। तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि इसको क्या इनाम देना चाहिए। तो वहाँ पर एक महात्मा बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इसको 99 जूते मारो। तो राजा ने कहा ये कौन सा पुरस्कार हुआ? बोले इसकी इतनी तेज बुद्धि है, इसको भगवान में लगाना चाहिए था, इसने पूरी बुद्धि हीरे जांचने पत्थर जांचने में लगा दी, ये तो बिल्कुल बेकार कर दी इसने अपनी बुद्धि, तो इसे 99 जूते मारो। मतलब हमें इतनी तेज बुद्धि मिली है, हम इतने होशियार हैं, सारा हमने अपनी बुद्धि भगवान में ना लगा कर संसार में लगा दी। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। हिरण्याक्ष की मृत्यु होगी तभी पाप मरेगा, तभी ब्रह्म विद्या का ज्ञान बुद्धि में स्थिर होगा। बुद्धि के निष्काम होने पर ब्रह्म ज्ञान स्थिर होता है। कहें जब तक आप देते नहीं हैं, जब तक आपका हृदय बड़ा नहीं होता, जब तक आप सब के हित के लिए नहीं जीते, तब तक हिरण्याक्ष नहीं मरता, मतलब लोभ नहीं मरता। तो देते चलो, देते चलो, गुरु कहते हैं देते चलो। मनुष्य का जीवन का क्या कर्म है? देना ही देना, देते चलो। कह रहे हैं कि मनुष्य का ज्ञान जो टिक नहीं पाता, क्यों नहीं टिक पाते? मनुष्य विलासी हो गया है, हमें सुख आराम चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, भोग संग्रह चाहिए, हमारा मन विलासी हो गया है, इसलिए टिक नहीं पाता ज्ञान। जो पुस्तकों के पीछे दौड़े विद्वान हैं और जो भक्तिपूर्वक परमात्मा के पीछे दौड़े हुए संत हैं, कह रहे हैं जो किताबों के पीछे दौड़े हुए विद्वान और जो भगवान के पीछे दौड़े वे संत,
विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ते हैं। शास्त्र पढ़कर जो बोले वे विद्वान और प्रभु को प्रसन्न करके उसी में पागल होकर जो बोले वे संत। यानी जब मन हृदय शुद्ध हो जाता है तो ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। अपने मन से पूछो कि प्रभु से मुझे जो सुख संपत्ति मिली है उसके लिए मैं पात्र हूँ या नहीं। हम लोग, आप लोग, हम लोग पूछे अपने से कि जितनी हमें धन संपत्ति मिली है, मान बढ़ाई मिली है, उसका मैं पात्र हूँ या नहीं। हम तो उसके लायक भी नहीं है जितना हमें मिला है, हम तो भगवान के चरणों की धूल है। उत्तर नकारात्मक ही होगा। लोभ को संतोष से मारो, ज़्यादा पाने की इच्छा ना करो। पाप इसलिए होता है कि मनुष्य मानता है कि प्रभु ने मुझे कम दिया। और की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि हमें लगता है भगवान ने हमें कम दिया है और हम दूसरों से कंपेयर करते हैं। तो दूसरों से कंपैरिजन होता है तो लगता है कि मुझे कम मिला है। पाप नहीं होंगे तो इंद्रियों की शुद्धि होगी और तभी इंद्रियों में ज्ञान भक्ति टिक पाएगी। ज्ञान आदि सत्कर्म से चित्त शुद्धि होती है, इसके बाद ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में टिक पाता है। कपिल मुनि जो है वो ज्ञान के अवतार हैं। मनु महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु महाराज के दो पुत्र हुए, ये हमारी कथा में आता है, प्रिय आप लोग याद रखिएगा। मनु महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और उनकी तीन पुत्रियाँ हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब कदम ऋषि का जो है वो कदम ऋषि ने बहुत तपस्या करी और इंद्रियों का दमन करने का, कर्दम कौन, जिसने इंद्रियों का दमन किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या करी। इतनी तपस्या करी कि उनका शरीर जो है बिल्कुल कंगाल की तरह हो गया। तो भगवान उनके यहाँ प्रकट हुए। तो भगवान से उन्होंने पूछा, भगवान ने उनसे पूछा कि तो आप क्या चाहते हैं, आप वर मांगिए। तो उन्होंने कहा, भगवान मुझे ऐसी पत्नी दीजिए जो मुझे भगवान की तरफ ले जाए। मुझे काम सुख वाली पत्नी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो आपकी ओर ले जाए। तो भगवान को बड़ा बेकार लगा। भगवान ने कहा कि मतलब इसकी तो मुक्ति मांग सकता था, मुक्ति उन्होंने क्यों नहीं मांगी कर्दम ऋषि ने। उन्होंने कहा, इतने सारे काम पड़े हुए हैं हमारे मन में, काम इच्छाएं पड़ी हुई हैं जन्मों जन्मों की, तो विवाह करने से सब भोग वासना शांत हो जाए। गृहस्थ आश्रम को भी देख लो, पर उन्होंने कैसा गृहस्थ आश्रम दिया। कर्दम जितेंद्रिय महात्मा थे, उनकी तपश्चर्या सफल हो गई, उनके सामने भगवान प्रकट हुए और उन्होंने भगवान से क्या मांगा, एक ऐसी पत्नी जो उनको भगवान की ओर ले जाए। तो फिर भगवान ने कहा कि तुम्हारे यहाँ मनु आएंगे अपनी पुत्री देवती को लेकर और वो तुम्हें उसका हाथ देंगे, तुम नाम नकुर मत करना और उसको स्वीकार कर लेना। तो कर्दम ऋषि कहते हैं अच्छा। अब जब वो मनु आते हैं, मनु देखिए तो महाराजा है मनु तो, और ये कर्दम ऋषि झोपड़ी में बिल्कुल सन्यासी हैं। तो देवती आती हैं अपने पिता मनु के साथ, अपने माता पिता के साथ। तो कर्दम ऋषि उनके लिए तीन आसन बिछाते हैं, देखते कहते हैं पत्नी की बुद्धि की परीक्षा करो। तो वो मनु और वो तो बैठ जाते हैं, उनकी माता पिता तो बैठ जाते हैं, मनु और उनकी पत्नी। तो देवहूति सोचने लगती है कि ये मेरे होने वाले पति हैं तो मैं इसे बैठूंगी और ये खड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करती है, अपना दाहिना हाथ आसन पर रख देती है और खुद आसन के बराबर बैठ जाती है। कर्दम ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोनों का विवाह हो जाता है। तो गुरु कहते हैं कि हमारी अंदर दैन्य भी होना चाहिए, सहनशीलता भी होनी चाहिए, भगवान से प्रेम भी होना चाहिए, संतोष भी होना चाहिए, और लोभ जो है, काम और क्रोध और लोभ, ये सब कुछ बिगाड़ देता है। काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के खुले हुए द्वार हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।